Today, we are going to make a series of videos on inspiring thoughts which change our lives. प्रेरक विचार जो हमारे जीवन को बदलते हैं. When I was planning to make such type of videos, so many questions came in my mind. Like, why such type of video is required? Why should I make this? Who can inspire us? Who can suggest us? How does our thought develop? Why these inspiring thoughts are important? In this video, I selected the wonderful thoughts of some great personalities on various topics, which really gives very positive and powerful impact on our thought, on our lifestyle, and also in solving our problems. So, I tried my best and hope this video will be useful. Inspiring thoughts who change our lives. प्रेरक विचार जो हमारे जीवन को बदलते हैं. हमें कौन सुझाव और प्रेरणा दे सकता है? Who can suggest and motivate us? Definitely our parents, teachers, seniors, friends and well-wishers can suggest and motivate us. निश्चित रूप से हमारे माता पिता, शिक्षक, वरिष्ठ मित्र और शुभचिंतक हमें सुझाव दे सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं. Who can inspire us? हमें कौन प्रेरित कर सकता है? एनी पर्सन, एनी सिचुएशन और एनीथिंग व्हिच हैव पावरफुल एंड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अस कैन इंस्पायर अस. इट डजंट मैटर व्हाट द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन और थिंग और सिचुएशन इज. कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति या कोई भी चीज जो हमारे ऊपर शक्तिशाली और सकारात्मक प्रभाव डालती है हमें प्रेरित कर सकती है. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति या वस्तु या स्थिति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है. How does our thought develop? हमारा विचार कैसे विकसित होता है? The best teacher of life is our difficulties, deficiency, insufficiency, hope, our dreaming capacity to do something unique for the welfare of nature and human being. जीवन का सबसे अच्छा शिक्षक हमारी कठिनाइयाँ, कमी, अपर्याप्तता, आशा, प्रकृति और मानव के कल्याण के लिए कुछ अद्वितीय करने की हमारी सपने देखने की क्षमता है जो हमारे विचार को विकसित करती है. Why inspiring thoughts are important? प्रेरक विचार क्यों महत्वपूर्ण है? Inspiring thoughts of great personalities guide us in our difficulties, build our confidence, helps in dealing with the adverse circumstances, and definitely motivate us to improve our good condition to the best. महान व्यक्तियों के प्रेरणादायक विचार हमें अपनी कठिनाइयों में मार्गदर्शन करते हैं, हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद करते हैं, और जब हम अच्छे कंडीशन में होते हैं, जब हमें सामान्य चीज़ें हासिल होती हैं, तो हमें अपनी अच्छी स्थिति को बेहतर सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं. दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल टाइम ग्रेट पर्सनालिटीज हुज इमोर्टल कोटेशंस हैव इंस्पायर्ड द मैनकाइंड टू लीव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट. So now we continue this video with the thoughts of great persons. A mind needs books, as a soul needs a weight stone, if it is to keep its age. अपना तेज बनाए रखने के लिए जिस तरह तलवार को पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को किताबों की. जॉर्ज आर आर मार्टिन. बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रेंड्स. दे आर द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वाइजेस्ट ऑफ काउंसिलर्स एंड द मोस्ट पेशेंट ऑफ टीचर्स. किताबें मित्रों में सबसे शांत और स्थिर हैं, वे सलाहकारों में सबसे सुलभ और बुद्धिमान हैं, और शिक्षकों में सबसे धैर्यवान है. चार्ल्स विलियम एलियट.
If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking. यदि आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो बाकी सभी पढ़ रहे हैं, तो आप वही सोच पाएंगे जो बाकी सभी सोच रहे हैं. हरुकी मुराकामी. यानी कि आपको अपने क्लास, सब्जेक्ट और सिलेबस के अलावा भी अच्छी क्वालिटी बुक पढ़नी चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को नए आयाम देंगे. One must always be careful of books and what is inside them, for words have the power to change us. किताबों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और जो उनके अंदर है, क्योंकि शब्दों में हमें बदलने की शक्ति होती है. कैसेंड्रा क्लेयर. इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि हमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमें किताबों के चुनाव में उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हमें हमेशा अच्छी किताबों का चुनाव ही करना चाहिए. ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक विजडम. ईमानदारी ज्ञान की किताब का पहला अध्याय है. थॉमस जेफरसन. इफ देयर इज अ बुक दैट यू वॉन्ट टू रीड बट इट हैज बीन रिटन येट, देन यू मस्ट राइट इट. यदि कोई ऐसी बुक है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पर वो अभी लिखी ही नहीं गई है, तो तुम्हें उसे ज़रूर लिखना चाहिए. टोनी मॉरिसन. माई बेस्ट फ्रेंड इज अ पर्सन हु विल गिव मी अ बुक आई हैव नॉट रेड. मेरा सबसे अच्छा मित्र वो व्यक्ति है जो मुझे ऐसी किताब दे जो मैंने पढ़ी ना हो. अब्राहम लिंकन. I have always imagined that paradise will be a kind of library. मैंने हमेशा कल्पना की है कि स्वर्ग एक तरह का पुस्तकालय है. जॉर्ज लुइस बोर्गेस. Nothing is pleasanter than exploring a library. Waters Savage Lander. Bad libraries build collections. Good libraries build services. Great libraries build communities. R. David Lanks. Libraries always remind me that there are some things in this world. Lauren Ward. The world is quiet here. Lemony Snicket. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. Albert Einstein. Share your knowledge, it is a way to achieve immortality. Dalai Lama. If you have knowledge, let others light their candle in it. Margaret Fuller. We can have all the knowledge in the world, but it means nothing without the wisdom to know what to do with it. Mario Osman. यानी कि हमारे पास अगर दुनिया की सारी जानकारी हो जाए तब भी हमें इसके साथ क्या करना है, इसकी समझ होना भी बहुत आवश्यक है. गूगल कैन ब्रिंग यू बैक 1 लाख आंसर्स, अ लाइब्रेरियन कैन ब्रिंग यू बैक द राइट वन. नील गैमन. The highest education is that which does not merely gives us information but makes our life in harmony with all existence. Rabindranath Tagore. Now, the quotes on health, wealth, yoga and meditation. Health is wealth. It is well known thought. The more good health you have, the more success you get in life. Lewis Montan. The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past,
not to worry about the future or not to anticipate troubles, but to live the present moment wisely and earnestly. Lord Buddha. The wealth of a nation is name, not silk and cotton and gold. किसी भी राष्ट्र की संपत्ति धरोहर उसके नागरिक होते हैं, ना कि सिल्क, रेशम, कॉटन या फिर गोल्ड. रिचार्ड होवे. When you inhale, you are taking the strength from God. When you exhale, it represents the service you are giving to the world. जब आप सांस लेते हैं, आप भगवान से शक्ति ले रहे होते हैं. जब आप सांस छोड़ते हैं, तो ये उस सेवा को दर्शाता है जो आप दुनिया को दे रहे हैं. B.K.S. Iyengar. Yoga is the practice of quieting the mind. योग मन को अस्थिर करने की क्रिया है. पतंजलि. Meditation can introduce you to yourself. Swami Rama. Meditation means the mind is turned back upon itself. Swami Vivekananda. Meditation is the way to self-knowledge. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan.